नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। तो शुरू करते हैं पुस्तक संकल्प शक्ति, जो कि स्वीट मार्डन जी ने लिखी है। इसका चैप्टर नंबर 11, टॉपिक है क्रोध शत्रु है। तो शुरू करते हैं। एक सज्जन ने अपने मित्र से पूछा कि आप झगड़ों से किस तरह बचे रहते हैं। मित्र ने कहा, जब कोई मुझसे झगड़ता है तो मैं मौन साध लेता हूँ। वह आखिर अकेले ही कब तक चिल्लाता रहेगा। एक समय ऐसा आता है कि वह खींच उठता है और अपने आप से ही झगड़ने लगता है। सुकरात की यह दशा थी कि क्रोध आता प्रतीत होते ही वह बोलने में अपना स्वर धीमा करके क्रोध को दबा लेते थे। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि क्रोध के आते ही अपने मुख को दबा लें, ताकि उस क्रोध को कहीं से फूटने का रास्ता ही न मिले। क्रोध के वशीभूत हो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यहाँ तक कि चरम सीमा पर पहुँचने पर दूसरों की जान भी ले सकते हैं। क्रोध तमाम खतरनाक बीमारियों का कारण बनता है। जॉर्ज हर्बर्ट ने कहा कि वाद विवाद में शांति से काम लें, क्योंकि आवेश और तीव्रता के कारण कहीं बात अवगुण बन जाती है और सच्चाई भी अनैतिक हो जाती है। क्रोध किसी भी व्यक्ति की सफलता और उन्नति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। यह जीवन कितना लंबा है, इसे किस किस रास्तों से गुजरना है, यह कोई नहीं जानता है। ऐसे में वही लोग सफल होते हैं जो आत्मसंयम खोए बिना हर ऊंचे नीचे रास्तों की चढ़ानों को पार करते, टेढ़े मेढ़े रास्तों की चुभन सहते बढ़ते चले जाते हैं। परंतु वे जो पल भर में अपना संयम खो बैठते हैं, अपनी परिस्थितियों पर आक्रोश से भर जाते हैं, वे शायद पग दो पद चलने के बाद ही झुंझला कर लौट आते हैं, और इस प्रकार से पल भर का क्रोध उनके संपूर्ण जीवन को निगल जाता है। बिना आत्मसंयम के कोई भी व्यक्ति न तो दृढ़ चरित्र का निर्माण कर सकता है और न ही उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। एक सफल व्यक्ति का यदि हम ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो यही पाएंगे कि आत्मसंयम उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। स्वयं पर नियंत्रण कर मनुष्य अपने आप को, अपने उद्देश्य को अपने वश में रखता है। आत्मसंयम वह शक्ति है जो बड़ी कठिनाइयों और प्रतिकूल अवसरों में किसी हितैषी मित्र से भी कहीं ज्यादा हमारा सहारा बनता है। बिना आत्मनियंत्रण रखे व्यक्ति का अंत बहुत बुरा होता है। वह अपने परिवेश में दया का पात्र बन जाता है और सबसे बेचारा की संज्ञा सुनता है। शत्रु पर वार करने के लिए भी क्रोध की नहीं वरन आत्मसंयम की ही आवश्यकता होती है। किसी महापुरुष ने कितना उचित कहा है कि दूसरों को रक्त रंजित वर्णन लिखने दो, जिसमें विजेता को सम्मान और विजित को मृत्यु प्राप्त होती है। किंतु मैं तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान दूंगा जो अपने अपराधों के विरोध में संघर्ष करके उन्हें अधीन करता रहा, जो वर्षों तक संघर्षरत रहकर उन पर विजय प्राप्त करता रहे। अब्राहम लिंकन यौवनावस्था में उग्र और झगड़ालू प्रकृति के थे। कर्नल कोर्नी से उसने एक बार कहा कि मैं आत्मसंयम की आदत ब्लैक हॉक युद्ध काल में ली थी। मुझ में यह बात उतनी ही दृढ़ता से घर कर गई जितनी दूसरों में बुराई सुदृढ़ हो सकती है। जासूस लोग प्रायः आत्मसंयम से काम लेते हैं। जरा सोचिए कि यदि वे पल भर के लिए भी अपना संयम खो बैठें या क्रोधित हो जाएं, तो क्रोध के साथ साथ सारा रहस्य ही बाहर उबल पड़ेगा, और परिणाम क्या निकलेगा? यही न कि फांसी का फंदा उनके गले में, समझिए। एक जासूस के बारे में कहते हैं कि उसने बंदी बनने के बाद अपने को बहरा और गूंगा बना लिया। उसके साथ उसके शत्रुओं ने अनेकों प्रयास कर डाले जिससे कि यदि कोई रहस्य हो तो उजागर करें, परंतु उसने अपना आत्मसंयम नहीं खोया और बहरा गूंगा ही बना रहा। अंत में बंदीकर्ता अपने ऊपर ही खींच गए और उसको आज़ाद कर दिया। उसने छोटी सी बात भी प्रकाश में न आने दी, जिससे सिद्ध हो गया कि वह बहरा गूंगा नहीं है। आज़ाद करने से पहले बंदीकर्ताओं ने उसे जो आदेश दिया कि अब तुम जा सकते हो, परंतु वह हिला तक नहीं। आखिरकार उन्होंने कहा, यह हमें धोखा नहीं दे रहा है, इसे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ।
इस प्रकार आत्मसंयम से उसकी जान बच गई। एक आवेश की लहर पूरे परिवार, अड़ोस पड़ोस तथा राष्ट्रों तक को डुबो कर रख देती है। संसार में जितने भी बड़े झगड़े हुए हैं, यदि उनका इतिहास उठाकर देखें तो मालूम होगा कि उनमें से अधिकतर का कारण क्रोध के कारण बोला गया कुवचन है। दूसरों पर शासन करने से पूर्व तुम अपनी भावनाओं पर सत्ता जमाओ। आत्मसंयम से न केवल व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास सुदृढ़ हो जाता है, बल्कि दूसरों पर भी उसका विश्वास मजबूत होता है। औद्योगिक व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि यदि उसने पल भर का भी संयम खो दिया तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। आत्मसंयम के बिना सफलता की प्राप्ति एक स्वप्न है। अपनी भावनाओं पर विजय पाकर ही मनुष्य कठिनाइयों को लांघ सकता है। ऑक्सफोर्ड के एक विद्यार्थी के साथ जॉन हेंडरसन विवाद में लीन था। उसने शराब से भरा गिलास उठाकर दे मारा। जॉन हेंडरसन ने शांति से हाथ मुंह पोछा और धैर्य से कहा, हाँ जना, यह तो हुआ सो हुआ, अब अपने उसी तर्क पर लौट आइए। डगलस जेरोल्ड के अनुसार लड़ाई झगड़े संसार में होते ही रहते हैं, किंतु सदा के लिए मन तोड़कर बैठ जाना, संबंध विच्छेद कर लेना बहुत बुरा है। विशेषकर पारिवारिक जीवन को तो क्रोध जलाकर राख ही कर देता है। अतएव हम में से प्रत्येक को यही प्रयास करना चाहिए कि यदि सामने वाला क्रोध में आ भी जाता है तो उस समय आत्मसंयम बरतें, क्योंकि उसके प्रति उत्तर में कोई भी कदम उठाना वैसा ही होगा जैसे जलते हुए गोले को पकड़ना। एक सुप्रसिद्ध वैद्य का कहना है कि हद से ज़्यादा परिश्रम, शीत और नमी का प्रभाव, अनिवार्य और स्वस्थ खुराक की काफ़ी मात्रा में कमी, गंदा आवास, सुस्ती और निर्बलता आदि मानव जीवन के घातक शत्रु हैं, किंतु इन सबका उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उग्र और तीव्र विचार बुरा प्रभाव डालते हैं। उपयुक्त आदतों वाले कई व्यक्ति बड़ी दीर्घायु भोग कर मरे हैं, मगर ऐसे उदाहरण शायद ही उपलब्ध हों कि अस्थिर वृत्ति के लोग चिरायु भोग पाए हों। एक पागल व्यक्ति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के वाचनालय में प्रविष्ट हुआ और बोला, मैं उपलयान हूँ, मुझे आपकी हत्या करने के लिए भेजा गया है। ड्यूक ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बड़े ही इत्मीनान से पूछा कि क्या यह कार्य आज ही आवश्यक है। पागल ने उत्तर दिया, मैं यह सब नहीं जानता, लेकिन मुझे मारना है। इस पर ड्यूक बोले, देखिए, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बहुत सारे कार्य अभी करने भी बाकी हैं, कृपा करके आप किसी और दिन आए। पागल ड्यूक की इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हुआ और चुपचाप वहाँ से निकल गया। सोचने वाली बात है कि आत्मसंयम वह शक्ति है जो किसी पागल को भी रास्ते पर ला सकती है, उसका आक्रोश दबा सकती है। किसी राजनैतिक दल में कोई नया सदस्य मनोनीत हुआ। उसके साथी ने बताया कि अमुक अनुभवी व्यक्ति के पास जाओ, वह तुमको राजनैतिक सफलता का रहस्य बताएगा, साथ ही वोट प्राप्त करने का गुण सिखा देगा। उस अनुभवी व्यक्ति ने गुण सिखाने के लिए कुछ शर्तें रखी। याद रखो कि जब जब तुम मेरे नियमों का उल्लंघन करोगे तुम्हें $5 का दंड देना पड़ेगा। सदस्य ने शर्त मंजूर कर ली। अनुभवी व्यक्ति ने पूछा, कब से आरंभ करोगे? इस समय से। पहला पाठ यह है कि क्रोध को अपने वश में रखो। बस इतनी सी बात, यह तो बहुत आसान है। बहुत खूब, लेकिन मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं कि तुम जैसे सिद्धांतहीन बदमाश का चुना जाना मुझे पसंद नहीं। श्रीमान, यह कहने का आप साहस कैसे कर सकते हैं? कृपया $5 रख दीजिए। ओह, अब याद आया, यह तो पहला पाठ है। जी हाँ, यह पाठ ही है, और जो मैं कहता हूँ और जो कर रहा हूँ वह सत्य है। भाई, तुम तो बड़े ढीठ निकले। कृपया $5 और रख दीजिए। वाह वाह, यह तो बहुत गहरा पाठ है। कमाल है, इतनी नहीं जल्दी $10 ऐंठ लिया। जी हाँ, $10 आप पहले ही ले लीजिए, क्योंकि ऋण भुगतान के मामले में आप पहले से ही बदनाम हैं। बदमाश, लाइए जनाब $5 और रखिए। धत तेरे की, फिर भूल गया।
अच्छा, अब दृढ़ता से अपने पर काबू रखूंगा। बिल्कुल, यदि आप मान रहे हो तो मैं अपनी सब बातें वापस लेता हूँ। वैसे भी यह सब बातें तो मैंने यूं ही कह दी थी। वैसे मैं तो जानता हूँ कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं, हालांकि आप निम्न परिवार से उत्पन्न हुए सम्मानित व्यक्ति हैं, और आपके पिता तो अत्यंत बदनाम रहे हैं ना? भाई, तुम तो परले दर्जे के धूर्त निकले। महाशय, $5 और प्रदान कीजिए। आत्मसंयम का पहला ही पाठ था और इतनी बार प्रतिकार चुकाना पड़ा। तब अनुभवी व्यक्ति ने कहा, ध्यान रखो कि जितनी बार तुम रोष व्यक्त करोगे, कुवचन बोलोगे, तुम्हें उतने ही वोटों की हानि होगी। यह भी न भूलना कि वोट तुम्हारे बैंक मनी बैंक से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। मदर एट होम का लेखक लिखता है कि कौन माँ है जो बालक पर शासन करने की आशा रखती है और स्वयं पर अंकुश नहीं रख पाती। शासन तो घर से ही आरंभ होता है और उसका शुभारंभ माँ की गोद में ही होना चाहिए। अपनी भावनाओं को वश में रखें। बच्चों की क्षमता, उन्हें ज्ञान गौरव का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो वह बच्चों पर कभी भी अनुशासन नहीं लाद सकती। पूर्ण आत्मसंयम का अर्थ है अपने पर ऐसी पकड़ हो जैसी एंड्सवर्थ रॉबर्ट में थी। रॉबर्ट की पत्नी ने एक बार उसकी पांडुलिपि को क्रोधावेश में आग की लपटों के हवाले कर दिया, किंतु धन्य है वह व्यक्ति, उसने कोई शिकायत किए बिना नए सिरे से पांडुलिपि तैयार करना आरंभ कर दिया। वह व्यक्ति किसी सम्राट से कम नहीं होता जो आत्मसंयम रखता है। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस पुस्तक को सुनने के लिए। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले अध्याय में।